हेलो एग्रेंस, वेलकम बैक टू एग्री एफआईआर। फ्रेंड्स, मैं अभय नागोरी आपके अपने एग्री एफआईआर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मुझे कंटिन्यू कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, बहुत सारे लोग कॉल भी आ रहे हैं कि सर तैयारी नहीं हो पा रही, कुछ फ्रेंड्स लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो अब 20 दिन बचे हैं, अभी सबको घबराहट होने लगी किस तरह तैयारी की जाए। तो उसी को लेकर लास्ट 20 डेज स्टडी की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपका से बहुत से लोगों को पता होगा कि मेरी खुद की प्रिपरेशन चल रही है, तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है लास्ट 20 डेज में, आपको आरएचयू के लिए आप क्या करना है, एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, इसको लेकर हम डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए एग्री एफआईआर से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जुड़े रहिए एग्री एफआईआर से। आपको लास्ट 20 डेज का स्ट्रेटेजी का प्लान बताते हैं, तो इसको कैसे क्रैक करना है। कुछ लोग के कमेंट भी आए थे कि सर जो सिलेबस है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, सिलेबस वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो उनको मैं बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है 18-19 में हमारा टेंटिव डला हुआ है, एग्जाम शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा टेंटिव दिखा रहा है अभी भी 18-19 मई का। तो इसी को लेकर हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि कल से अगर देखा जाए 20 दिन बचे हैं, आज से 21 दिन, तो इसको लेकर आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। आप इसमें रूल बुक में जाएंगे इस पोर्शन में, तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ से आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसका सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ से आपका प्रिपरेशन के लिए SHDO की बात की जाए, SHDO का उन लोग के लिए है, अपन बात करते हैं अपनी, तो अपना कैसा प्रिपरेशन की जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पता है लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, पूरा तो आपने पढ़ ही लिया होगा लगभग, अगर नहीं पढ़ा है तो आप 20 दिन में आपने जो RU SHDO में जो कुछ पढ़ा था RU SHDO प्रिपरेशन में, उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं 20 दिन में। उसको आपको दिन डिवाइज कर लीजिए कि क्या आपका क्या वीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा क्या वीक है, उसको कैसे पढ़ना है। 20 दिन में आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उस बुक को 20 दिन में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, 20 दिन में उस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही अपने को आप लास्ट टाइम में रिविजन कर सकते हैं, पढ़ा इतना कर नहीं पाएंगे, तो इन 20 डेज में आपको MCQ उठाने हैं कोई भी। जैसे मेरे चैनल पे भी कुछ MCQ डले हुए हैं पुराने, जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उन पर फोकस कीजिए। साथ ही जो आपका सब्जेक्ट वीक है वो उस पर फोकस कर सकते हैं। अब 20 दिन में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे सुबह है तो आप सुबह का टाइम ले लीजिए, सुबह एग्रीकल्चर 10 से 12 बजे तक आप एग्रीकल्चर पढ़िए। शाम के टाइम पे आप आपका CSET ले लीजिए, तो शाम के टाइम आपका CSET कवर करते रहिए। 20 डेज में आप लगभग ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, इसको रिवीजन कर दीजिए, साथ ही MCQ लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, तो उससे आपको जो वीकनेस है वो आपको पता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा फोकस करके उसके MCQ ज़्यादा लगाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको नहीं है थोड़ा बहुत आप उसका थ्योरेटिकल देख सकते हैं। तो यहाँ आप CSET और एग्रीकल्चर दोनों को साथ में लेके चलना होगा 20 दिन तक, तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज है वो बता देता हूँ। आप ये परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डेली डोज के कुछ क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज पे आके आपको टेस्ट सीरीज जो है 50% डिस्काउंट में मिल जाएगी एग्री FIR, अगर आप कोड लगाएंगे परीक्षा ऐप पे जाके Agri FIR 50 अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप पे जाके आप ये लगाएंगे तो एक टेस्ट सीरीज है एग्रीकल्चर की, तो आप वहाँ पे जाके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ परीक्षा ऐप पे आपको डेली डोज के मॉडल्स जैसे इंग्लिश का डला हुआ आप उसको देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में आपको जो पोर्शन को आपको क्वेश्चंस लगाना हो वहाँ पे लगा सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स से हिंदी करंट अफेयर्स वगैरह सारा डला हुआ है। इसके बाद में टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे RHU SHDO DM का डला हुआ है, तो यहाँ से आप इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। टोटल 20 टेस्ट हैं जो आपको 20 FLTs मिल रही है मात्र ₹175 में डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट में। 349 टेस्ट सीरीज है, आपको Agri FIR 50 आप कोड लगाएंगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा 175 में। तो आप ये Agri FIR 50 कोड लगाएंगे तो आपको 175 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टोटल 20 FLT है, RHU SHDO क्वालिटी कंट्रोल सभी को लेके, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके जो वीकनेस हो उसको आप कवर कीजिए, 20 डेज हैं आपके पास, 20 डेज भी बहुत होते हैं प्रिपरेशन के लिए। आप आराम से पूरा जो आपने RU SHDO में पढ़ा था वो पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। अब जिस अकॉर्डिंग टाइम बचा आप रिवाइज कीजिए, सारे MCQ लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आपस में डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप रूममेट वगैरह से रह रहे हैं तो आपस में उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टाइम भी कम बचा है और प्रिपरेशन भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अब हो ही गई हो, RU SHDO में आपने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया है, क्योंकि RU में सेम सिलेबस यही था
और SATO में सेम सिलेबस DM का था, तो आपने प्रिपरेशन उस तरह से किया है, बस उसी को आपको रिवाइज करना है। आपने पढ़ लिया होगा कुछ, या जो भी कमी है आप उसको पूरा कर सकते हैं। बुक की बात की जाए तो एक कमेंट आया था बुक के लिए भी, तो फ्रेंड्स जो आपने बुक पढ़ी रखी है उसको ही पढ़िए, अभी नई बुक की ओर मत जाइए, 20 दिन है, तो आप उसी बुक को कंप्लीट कीजिए, आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा बुक का। और उसी बुक में से, इसके अलावा अगर कोई बुक आपने और भी पढ़ रखी है तो उसको आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं, उस बुक के MCQ देख सकते हैं। वैसे मेनली अगर फोकस किया जाए तो MCQ का आप फोकस करेंगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और आपको जो MCQ में तक कठिनाई हो, आपको याद नहीं हो, उसको एक बार आप स्टार मार्क कर लीजिए जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो। मान लो आप महावीर से पढ़ रहे हैं तो महावीर की बुक में आप उसको टिक कर लीजिए, तो स्टार मार्क कर लीजिए, और आप उसको जाते समय 2 दिन पहले एक बार उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा जिनमें आपको डाउट है, जिनमें कठिनाई है, तो आप उनको एक बार रिवाइज करते जाएंगे तो जो आपको प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है जिनमें आप हमेशा गलती कर रहे हैं वो गलतियां एग्जाम में नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। आप टेलीग्राम पर लिंक दी हुई, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में आप उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।